अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ गवार और बैंगन की भाजी, ठीक है, और केमी के साथ। उसके लिए क्या क्या लगता है चलो बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। कांदा, ये मैंने दो कांदा काट के लूँ, और हरा मसाला, कोथमीर, हरी मिर्ची और लहसुन, बस ये तीन चीज़ है। नमक, हल्दी, टमाटर, केमी, बस इतना ही लगेगा। अब मैं यहाँ तेल गर्म रखती हूँ। मेरा तेल गर्म हो चुका है, अब मैं उसमें डालती हूँ ये कांदा, प्याज पूरी डाल देती हूँ। प्याज को अच्छे से लाल कर लेती हूँ। दोनों मिक्स भाजी बना रही है, अच्छी बनती है माशाल्लाह, बहुत अच्छी बनती है। आप किसी के भी साथ खा सकते हैं, चावल के साथ, रोटी के साथ, ठीक है। ये इसे अच्छा फ्राई करके लेती हूँ। अभी कांदा देखो मेरा अच्छा ये लाल हो गया है। अब इसमें जो मैं हरा मसाला पीसी थी ना, हरी मिर्ची, कोथमीर और लहसुन, ये तीनों मिला के पीसी थी, ये दो मैं डाल। उसके बाद लगे टमाटर डाल देती हूँ। टमाटर भी अच्छे नरम होने देता हूँ, ठीक है। ये टमाटर मैंने पाँच लिया, मेरे आधा किलो, दोनों मिला के आधा किलो भाजी है ना, उसके लिए टमाटर में मेरे हिसाब। ये एक चम्मच हल्दी, ये नमक मैं मेरे हिसाब से डालती हूँ। अब नमक और मिर्ची आप अपने हिसाब से डालो, ये मेरे हिसाब से। मिर्ची में मैंने थोड़ा नमक डाला। देखो ये बैंगन, ये जो मसाला मैंने बैंगन का भुनी ना, मसाला बहुत अच्छा हुआ। अभी इसमें कीमा डाल देती हूँ। टमाटर भी पूरे गल गए, अभी कीमा पूरा, मेरा पाव किलो कीमा था पूरा डाल दूंगा। आधा किलो गवार, आधा किलो में दोनों मिला के आधा किलो मेरा। अब इसी के साथ मैं भाजी भी डालूंगी, ताकि भाजी भी इसी के साथ पक जाए। भाजी में एक्स्ट्रा पानी नहीं डालूंगी। अभी भाजी को देखो मैंने अच्छे से मिक्स करी हूँ, और जो भी पानी है ये भाजी का है और तेल है, और इसी में अब इसी में पकने देती हूँ। बैंगन तो जल्दी पक जाता है, और गवार भी, गावटी गवार है तो जल्दी पक जाएगी, इसके लिए इसको 10 मिनट में ढक के रख देती हूँ, ठीक है, ताकि पानी भी छूटे और वो गल भी जाए अच्छे से। अब इसको 10 मिनट तक इसी तरह से ढक के रख देती हूँ बारीक गैस पे। आज मैं बनाई हूँ गवार और बैंगन की खीमा दाल की भाजी, जो बहुत अच्छी बनती है। सिर्फ बहुत 15 मिनट के अंदर ही भाजी बन जाती है, ठीक है। अगर आपको पसंद आ रही होंगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने फैमिली दोस्तों में भी शेयर करो, और अगर नई डिश कोई चाहिए तो मुझे कमेंट करके बोलो, इंशाल्लाह ज़रूर मैं बनाऊँगी। फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।